सो दोस्तों, मैं जयपुर आया हूँ कुछ काम से, कुछ दोस्तों से मिलने हैं, कुछ हमारी मीटिंग्स हैं उनके लिए आया हूँ। ये मैं शूट कर रहा हूँ अपनी एक पूरी दिन दिखाने के लिए। जब मैं बाहर की तरफ रहता हूँ, बाहर जाता हूँ घूमने के लिए, क्या क्या करते हैं उसको दिखाने के लिए। और आज जो है, अभी फ़िलहाल मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, उस मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। देन उसके बाद राधेश का बर्थडे है आज। राधेश मेरा एक स्टूडेंट है जो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी शॉप कस्टमाइज वो चलाते हैं, तो उनके पास में जाएंगे एंड देन शाम में कुछ लोग से मिलेंगे। धीरे धीरे इस व्लॉग में देखते हैं हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर में हम लोग है ना क्या करेंगे, पहले कि परसोना को हम लोग डिफाइन करेंगे, और परसोना को डिफाइन करने के बाद में इसके ऊपर में एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद में हम लोग इसको एक फिर से क्रिस्प करते हैं। क्रिस्प करने के बाद में देखते हैं कहाँ कहाँ से टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रखना, रीटारगेटिंग का भी रखना। ठीक है, ठीक है, तो रीटारगेटिंग का थोड़ा मैं फिल्टर करता आउट। हूँ जनरल, मैं बना देता हूँ कोई दिक्कत हाँ, नहीं। लुकल लाइक ऑडियंस भी हम लोग उनसे ना डेटा लेके लुकल लाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं, उनके पास डेटा है कुछ क्लाइंट का। ठीक ठीक है, है ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके, चलो मैं कुछ कुछ तैयार करता हूँ ठीक है, इस ठीक टाइम है, के रंग में। ठीक ठीक है, है। और दोस्तों, मेरे साथ में जो है करण है, मेरे साथ में, अरे कहाँ चला गया, फेस ट्रैक कर ले भाई। हाँ, मेरे साथ में जो है करण है, और मैं दिखाता हूँ आपको करण क्या कर रहे हैं, अभी इनसे कैसे बात रही। हेलो करण, शक्ल तो दिखाओ। क्या कर रहे हैं अमेरिका में, enjoying, so कब आ रहे हैं वापस, I'm कब आ रहे working हैं? and enjoying. I'm coming back on 9th. 9th, ठीक है, चलो 9th को आ जाओगे ना तो फिर बात करते हैं आराम से अच्छे से। ठीक है, चलो भाई चलो, तो ऐसे ही अपनी काम धंधा भी चलते रहता है और अपना घूमना भी चलते रहता है। ऑन्टरप्रनर की लाइफ में चैन नहीं है, हम जहाँ भी जाते हैं काम वगैरह रहते रहता है। तो मिलते हैं आपसे, ट्रू ट्रू आगे ट्रू बढ़ते हैं तो मिलते हैं आपसे आगे। निकल रहे हैं गिरीश से मिलने के लिए, और गिरीश से मिलने जा रहे हैं, उसके क्लिनिक जा रहे हैं, और फिर उसके बाद राधेश के पास में जाएंगे, उनका बर्थडे है, फिर शाम की एक्टिविटी वगैरह हमारी होगी। अभी हम लोग आ गए हैं गिरीश के ऑफिस में, और गिरीश के ऑफिस में गिरीश के साथ में बैठे हुए हैं, और गिरीश बाबू अभी काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे इन्हें अभी काम करने की है, ये देखिए, हाय वेरी नाइस। गाइस, हाँ, तो इनका काम चल रहा है डॉक्टर केस में, मार्केटिंग चल रहा है कि डॉक्टरी चल रहा है मेरे को पता नहीं, कुछ तो चल रहा है। और अभी गिरीश ने ये बोला है कि एक बहुत ही मेहनतकश कॉफ़ी बनाएंगे। अब वो मेहनतकश कॉफ़ी कैसे बनती है वो देखते हैं थोड़ी देर में, आपको नहीं दिखाएंगे, हम ही देखेंगे उसको। चलिए, आपको मिलते हैं, फिर राधेश के पास जाते हैं, तब मिलते हैं आपको। तो हम आ चुके हैं राधेश के यहाँ पे, और राधेश का शायल भाई आस्था जो स्टोर है काफ़ी अच्छा कर रहा है, और सिल्वर ज्वेलरी में तो खैर उसका नाम ही नहीं है, कस्टमाइज सिल्वर ज्वेलरी काफ़ी इनके पास मिलती है। और राधेश जो है हमारे पास पे यहाँ बैठे हैं। हाय, हेलो, तो हाय, हेलो, राधेश बताओ, क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है पूरी? सर डूइंग फैंटास्टिक. इट्स बीन 4 ईयर्स, तो अभी चार इंस्टाग्राम साल हो पे गए, 2.8 लाख फॉलोअर्स हैं. वाह वी आर केटरिंग टू वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, और आई थिंक वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वेरी वाइड गुड। विथ रेस्पेक्ट टू ऑनलाइन ग्रोथ आई थिंक वी आर इन टॉप 5 सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड्स, नॉट श्योर, बट हाँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है वी आर इन टॉप 5 सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड्स वेरी गुड, इन इंडिया एटलीस्ट. वेरी गुड। तो यहाँ पे इनके स्टोर में काफ़ी ज़्यादा काम होता है, जैसे आप मेरे हाथ में देखोगे, ये भी इनका एक चेन है जो सिल्वर का चेन है, सिल्वर है ना ये, ब्लैक मंगलसूत्र, ये सिल्वर है, मंगलसूत्र सब कुछ सिल्वर है. सिल्वर है ना यहाँ पे, ये सिल्वर है, सॉरी ये सिल्वर है इनका, नज़रबट्टू इसको बोलते हैं। ये फिर है इनके पास में जो कि काफ़ी यू नो काफ़ी हेवी है, और उसके बाद में ये हाथ के कड़े हैं ना, ये हाथ के ही पैर के हैं, ये आपके हाथ ये ऐसे के। हैं. अच्छा, ये हाथ के कड़े हैं, और भी बहुत सारा, बहुत माल भर रखा है इन्होंने ऑफिस में अपने। इधर जो आप अगर देखोगे तो इधर स्टूडियो लोग काम वगैरह कर रहे हैं पीछे के तरफ में। राधेश आईआईटी से आते हैं, और आईआईटी रुड़की है ना, तो राधेश आईआईटी रुड़की से आते हैं, और जयपुर से वो ट्रैवल करके जाते थे हर वीकेंड में सीखने के लिए डिजिटल मार्केटिंग। 2018 18 19 2018 के लगभग जाते थे सीखने के लिए, सीख के बहुत सारे काम किए, और अभी मेजोरिटी ऑफ इनकी जो सेल होती है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही होती है, और अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर में भी जाने का टाइम आ गया। यस, एक्चुअल ब्रांड जो बनेगा ना वो ऑफलाइन और डिजिटल के मिक्सचर से बनेगा। तो अब आ गया हूँ वापस मैं अपने होटल रूम में,
थोड़ा देर आराम करेंगे, फिर उसके बाद 8 बजे के लगभग अपन जाएंगे मिलने के लिए, कुछ और फ्रेंड्स हैं जो मिलना चाह रहे थे जयपुर के अंदर में, तो आज रात में डिनर का प्लान जो है वहीं पे है, अब आपको मिलते हैं वहाँ पे। हम तो लोग आ गए हैं मीटअप प्लेस में, इसका नाम है सिटी हाइट्स, और अगर आप देखोगे इस प्लेस को तो ये बड़ा सुंदर प्लेस है। देखोगे तो खड़े हैं और हमारे साथ में जो है वो है रऊफ, अभी दिखे नहीं है भाई, अब बोलो हाय। क्या हाल चाल? बस बढ़िया। रऊफ से मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ इंटरनेट में, आई थिंक 5 साल हो गया जाने में, ज़्यादा होता होगा? नहीं, 5 साल हो गया ना, कोविड के बाद जाने थे, कोविड से पहले? कोविड के बाद जाने अपने, हाँ मतलब 2020 के लगभग हो गया ना। तो आज फाइनली मिल रहे हैं जयपुर में, और ऋषिका भी है कहीं गई हुई है, आते हैं सबको, तो फिर उसके बाद आप लोग को धीरे धीरे और। तो भैया फूड आ गया है, इसको बोला जाता है सीजनर, सबको दिया जा रहा है मोटिवेशन के लिए। और हमारे साथ में कौन कौन है भाई? रजत, शोभित, वॉइस जूमिट्स, ऋषिका है, शंकर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। हेलो अगेन, वापस कर दूंगा, अभी तुम नहीं आए। हेलो अगेन, फिर से नहीं आए, कोई बात नहीं, वापस कर दूंगा। डॉक्टर साहब, हेलो, अभी अभी बाइट के खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद बातें चलेगी खूब सारी। हमारा क्या कंप्लेन है ऋषिका से? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज अ वेरी बिग थिंग, जो इसको सुधारने की जरूरत है। और कितना कितने साल में आपके आपके क्वेरी का जवाब दिया उन्होंने? एक वो दिया नहीं ना, एक साल, एक साल का नहीं दिया, मीटअप कर करण के साथ में, करण के साथ, हाँ, पिछले अप्रैल में मीटअप किया। चलिए मैं पूछता हूँ, हाँ ऋषिका बताओ क्यों भाई एक साल में रिप्लाई करती हो? मेरी नोटिफिकेशंस बंद है, मुझे पता ही नहीं चलता। ये गलत बात है, वो बेचारा इवेंट करने आया, यहाँ करके अमेरिका चला गया, यहाँ इवेंट करके अमेरिका चला गया, वहाँ स्विमिंग पूल में नहा रहा, तुमने जवाब तक नहीं दिया उसका। झूठ बोलती है, नोट छापने में लगी हुई है, नोट छापो, नोट गिनती रहती है दिन भर। बात तो सही है, नो कमेंट ऑन दैट। तो अभी हम लोग केक कटिंग सेरेमनी होगा शोभित का, शोभित 3.0 उनका बर्थडे है। चलो चलो काटो काटो भाई, काटो काटो, लाइटर भाई, तुम्हें तो मीठा नहीं खिला सकते। नहीं नहीं, कैंडल खाओगे? खुद खाओ, पहले पहले खुद खाओ, ना ना बिल्कुल भी नहीं, खिला भाई। तो इसी के साथ हम लोग का दिन पूरा खत्म हुआ, बहुत थक गया हूँ, अभी सोऊंगा, अभी तकरीबन बज रहा है 10:30 बज रहा है, 11:30 बजे तक वैभव आएगा जो कि एक फ्रेंड है, तो वो आएगा 11:30 बजे तक, तो उसके साथ थोड़ा देर बैठेंगे, तब तक 1 घंटा है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में लेके, और फिर उसके बाद आराम से सो जाएंगे, दिन यहाँ पे हमारा फिनिश। तो आई होप आप लोगों को मेरा दिन अच्छा लगा होगा, आपको मिलते हैं कभी किसी और व्लॉग में, थैंक यू वेरी मच।